उछलते कूदते उड़ते हुए छोटे बड़े और रंगीन, पर कुछ बुलबुले बुरे भी होते हैं और समय आने पर ये बुलबुले फूट भी जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं अचानक बुलबुलों पर क्यों ज्ञान दे रहा हूँ, तो चलो चलो मेरे साथ और खुद देख लो, क्योंकि जब देखोगे तो जानोगे और जानोगे तो समझोगे ना। भैया कोई बात नहीं, और खरीद दूंगा। अरे अभी तुम्हारी दूध पीने की उम्र है बच्चों। आसमान तो आज सिर्फ हमारा है। भैया बात नहीं, मैं नहीं ले लूंगा। गांव में हर काम बल से नहीं होता, पर बुद्धि से सब कुछ होता है। पर ये है क्या और इसका करना क्या है? ये है तुम्हारी पतंग। अरे वाह, पर मैं इसे उड़ाऊंगा कैसे? उड़ाओगे इससे। अरे कट गई रे पतंग भाया, कट गई। ये हो क्या रहा है? अजीब भेष है भाया, कोई दूसरे गांव का लगता है। ऐसे तो भाया ये पूरे बाजार को बेच खाएगा। आज मेरे सारे खिलौने खत्म हो गए, पर मैं कल फिर आऊंगा ढेर सारे खिलौने लेकर। हम रात को इसके घर जाकर इसके सारे यंत्र और खिलौने तोड़ देंगे, ताकि ये कल फिर आकर हमारा नुकसान ना बढ़ाए बीन बजाकर। ठीक है तो चलो बजा देते हैं भी, हम भी हैं इन मीन टीम। भाया यही है उसका घर। ठीक है तो चलो। भैया
हमारी मदद करेगी। वो कैसे? वो ऐसे कि मैंने उसी के सैनिकों के बच्चों में हमारे हवाई टिड्डे बांट दिए हैं और उन्हें चलाने वाला यंत्र मेरे पास है। देखा, वो टिड्डे जिस भी घर में जाएंगे वहाँ नींद की हवा छोड़कर उस परिवार को चैन की नींद सुला देंगे। विक्रम की आधी सेना लड़ाई के समय सोती रहेगी। देखा, और बाकी सेना? यही टिड्डे ठिकाने लगा देंगे। कल मैं विक्रम को बिना किसी सेना के चुनौती दूंगा और यहाँ बैठे बैठे उसे हरा भी दूंगा। खम्मा घनी महाराज, खम्मा घनी, आपके सामने झूठ बोलूं तो गर्दन उड़वा दीजिएगा महाराज। जो देखा वही बता रहा हूँ। बब्बू बुलबुला यहाँ? हमारे बाकी सैनिकों को इकट्ठा करो सेनापति, हमें तैयार रहना होगा। महाराज रात हो चुकी है, उन हवाई टिड्डों ने हमारे आधे सैनिकों को अब तक सुला दिया होगा। समय कम है महाराज, आप रणभूमि को संभालिए और मैं उस बुलबुले को। अब विक्रम चोर की दाढ़ी में तिनके की तरह तड़पेगा। आपका मतलब है अब विक्रमादित्य जल बिन मछली की तरह तड़पेगा? हाँ हाँ वही। अब तो जीत हमारी है। देखा नहीं? देखा तो जाओ जाओ, जाके देख के आओ। मैं जाकर देखता हूँ कि बाकी के सैनिक जागे तो नहीं। बस अब सिर्फ एक आखिरी बार, फिर हमारे हवाई टिड्डे विक्रम को खत्म कर देंगे। कुल मत दबाना।
कोई त्योहार तो नहीं है। फिर हो क्या रहा है ये? महाराज, ये सब तैयारियाँ क्यों चल रही हैं? क्या है आज? बुद्धिराज। बुद्धिराज? महान गुरु बुद्धिराज पधार रहे हैं, पर क्यों? कितने दिनों के लिए? प्राण संकट में फंसने वाले हैं फिर तो। शांत मुंजा शांत, इतने भी परेशान मत हो। और फिर वो हमारे परम मित्र के राजगुरु हैं, शिष्टाचार के नाते हम उनका प्रस्ताव कैसे अस्वीकार कर सकते थे? राजा का प्रणाम स्वीकार करें महान राजन विक्रमादित्य। अब दो बातें, पहली ये कि ढोल का शोर सेहत के लिए हानिकारक है, वो मन को व्याकुल करता है। दूसरी बात, फूल बगीचों में या प्रभु के चरणों में ही अच्छे लगते हैं, उन्हें यूं उछालिए मत। सत्य वचन गुरुवर, सत्य वचन। अब अगर मुझे मेरा कक्ष दिखा दिया जाए तो मैं वहाँ तनिक विश्राम करना चाहूँगा। मंत्री जी, आप कृपया गुरुवर को उनके कक्ष तक ले जाएं। एक और बात राजन, आपने कक्ष में मेरे आदेश के अनुसार मेरी नित्य पूजा की सामग्री रखवा दी है या नहीं? महाराज, कठिन वक्त है, टल जाएगा। तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि किसी मुनि के सामने नहीं आते जबकि वो तप कर रहा होता है? अब तुमने अपनी हर सीमा पार कर दी है और तुम्हें इसका दंड मिलेगा, कठोर दंड। सैनिक, बंदी बना लो इसे और इसे दरबार में प्रस्तुत करो। अभी बंदी बनाओ इसे, अन्यथा तुम्हारा भी वही हश्र होगा। इतनी हड़बड़ी में क्यों बुलाया गया है महाराज? मुंजा, गुरुवर बुद्धिराज ने संदेश भिजवाया था, वो न्याय चाहते हैं। मुझे मालूम था कुछ न कुछ तो होने ही वाला है। महाराज विक्रमादित्य, मेरा सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए और मुझे न्याय दीजिए, इस मूर्ख माली को दंड दीजिए। मगर क्यों गुरुवर, ऐसी क्या गुस्ताखी हो गई इससे? इसने मेरी प्रातःकाल की पूजा में विघ्न डाला है। सालों से आज तक मैंने कभी अपना सूर्य नमस्कार पूरा किए बिना अपना स्थान नहीं छोड़ा, मगर आज इस मूर्ख की वजह से वो खंडित हो गया। अरे, किसी न किसी पर तो प्रकोप पड़ना ही था, पर अब इसे अभी इस राजभवन से निष्कासित कर दीजिए। इसे निकाल बाहर कीजिए महाराज। अब क्या करेंगे महाराज, आगे कुआं तो पीछे खाई, न जाने कहां से यह आफत आई। ठीक है, आपको अवश्य न्याय मिलेगा गुरुवर, लेकिन माली का पक्ष सुने बगैर अगर मैंने फैसला सुना दिया तो वो इंसाफ नहीं कहलाएगा। तो आप मुझे झूठा कह रहे हैं राजन? मैं बस नीति का पालन कर रहा हूँ गुरुवर, और नीति के अनुसार दोनों पक्षों को सुने बगैर मैं इंसाफ नहीं कर सकता। आपने मुझे भरी सभा में अपमानित किया है राजन,
या तो आप इसी वक्त इस माली को दंड दीजिए, वरना मैं आपके इस पूरे राज्य को श्राप दूंगा कि जिस तरह मुझे सूर्य की रोशनी से वंचित किया गया, उसी तरह आपका संपूर्ण राज्य हमेशा हमेशा के लिए सूर्य की रोशनी से वंचित हो जाए। महाराज, एक माली के लिए इतना बड़ा संकट मत मोल लीजिए। लेकिन वो मेरी प्रजा है और एक राजा होने के नाते मैं अपनी प्रजा को कैसे बीच संकट में छोड़ सकता हूँ? महाराज क्षमा कीजिए, मगर मेरे एक की वजह से पूरे राज्य पर संकट आ रहा है, तो मेरा कर्तव्य भी तो यही कहता है कि मैं खुद ही चला जाऊं। बात अब ना केवल तुम्हारी है, ना मेरी और ना राज्य की बात है, ये बात है राज मर्यादा की। जब ज्ञान अहंकार बन जाए तो वो विनाश लाता है। लेकिन उपाय क्या है महाराज? उपाय ये है कि गुरु बुद्धिराज को ये संदेश भिजवा दीजिए कि अगर वो मुंजा को तर्क में हरा देंगे तो हमें उनकी हर बात मंजूर होगी। मैं? पर क्यों? मैंने क्या किया? मुझे क्यों सूली पर चढ़ा रहे हैं? मैं कैसे बुद्धिराज से? शांत मुंजा, मुश्किल वक्त में धीरज और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वो जो भी सवाल करेंगे मैं उसका उत्तर अपने मन में सोचूंगा और तुम जादू से उसे जान लेना। अब थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन महाराज ये तो गलत है। नहीं मुंजा, इस वक्त यही सही है। शुरू करो मुंजा। पहला सवाल करने का अवसर मैं तुम्हें देता हूँ, क्योंकि मेरे तो किसी भी सवाल का जवाब तुम दे नहीं पाओगे। परंतु आप बड़े हैं, मैं कैसे पहले कर सकता हूँ? ज्ञान में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। नहीं नहीं, मैं तो उम्र की बात कर रहा था। क्या कहा? पहले आप। नहीं, पहले आप, ये मेरा आदेश है। मान जा मेरे बाप। क्या? पहले आप गुरुवर, पहले आप। पूछो, डरो मत। डर? मुंजा किसी से नहीं डरता। मेरा पहला सवाल। गई भैंस पानी में। लेकिन मैं पूछूंगा अपनी भाषा में। किसी भी भाषा में पूछो। सरल इंसान कौन होता है? वो जो कुछ नहीं जानता इसलिए कुछ नहीं चाहता? नहीं, वो जो सब जानते हुए भी अपनी लालच और चाहत का त्याग नहीं कर पाता। दानी कौन होता है? जो धनी है? नहीं, जो संतुष्ट है। किसको अधिक गुस्सा आता है? जो बलवान है? नहीं, जो असंतुष्ट है। घमंडी इंसान कौन होता है? जो सबसे बड़ा ज्ञानी होता है? नहीं, वो जो कुछ नहीं जानता पर उस बात को छुपाना चाहता है। ज्ञान तो हर किताब में मिलता है, परंतु कठिन है उसका पालन करना। कठिन क्या है? ज्ञान की बातें करना या उस ज्ञान को दिल से मानना? सूर्य की रोशनी को रोककर जो ज्ञान की रोशनी से तुमने मेरा सामना करवाया, उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। नहीं नहीं, रुकिए गुरुवर, आप हमारे अतिथि हैं, हम आपको यूं ही खाली हाथ नहीं जाने देंगे। लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि घमंड और क्रोध एक ऐसा पर्दा है जो किसी को भी अंधा बना सकता है, हमें उससे बचना चाहिए गुरुवर। मैं खाली हाथ नहीं जा रहा महाराज, बहुत बड़ी सीख लेकर जा रहा हूँ। तो देखा दोस्तों, केवल ज्ञान हासिल करना ही काफी नहीं होता, उसका जीवन में नियम अनुसार पालन करना भी उतना ही आवश्यक है। तो फिर अब मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा। जादू जब अपना चक्कर चलाता है तो छोटा भी बड़ा बन जाता है, लेकिन झूठ चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच के सामने वो छोटा ही प्रतीत होता है। नहीं समझे? तो चलिए महाराज विक्रमादित्य की इस कहानी को देखकर समझते हैं, क्योंकि जब आप देखोगे तो
जानोगे और जानोगे तो समझोगे ना। धरती तक पहुँचते पहुँचते थोड़ा समय लग जाएगा, आप तब तक थोड़ा आराम कर लीजिए। मुझे ये पृथ्वी नहीं लग रही, हम किसी और ग्रह पर आ गए हैं। अब चलो पता तो करें कि हम हैं कहाँ। हे नदी, मुझ पर कृपा करो, अपने अंदर घुले हुए विष को भूलकर मुझे उस पार जाने दो। नहीं, जादूगरनी गुराला ने तुम्हें अपने सेनापति से विवाह के लिए चुना है, जब वो आदेश देंगी तभी मैं तुम्हें अपने पार जाने दूंगी, वरना इस पानी को छूते ही तुम नष्ट हो जाओगी। मेरा उस पार जाना जरूरी है, राजकुमार मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। बच्चों, बच्चों, ये क्या, कौन हो तुम? मुझे तो ये इसी ग्रह की वासी लग रही है महाराज। डरो मत, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम कौन हो कन्या और ये जगह कौन सी है? छोड़ दो उसे, तुम मुझसे बात नहीं कर सकते। यज्ञ जादूगरनी गुराला की संपत्ति है। संपत्ति? भला कोई इंसान किसी की संपत्ति कैसे हो सकता है? अगर है तो समझो मैंने उसे आजाद कर दिया है। लेकिन अब तुम्हें अपने जीवन से हाथ धोने पड़ेंगे अजनबी, जादूगरनी छोड़ेगी नहीं तुम्हें। अच्छा तो जाओ लगा दो शिकायत जादूगरनी से। ये है महाराज विक्रमादित्य और मैं हूँ मुंजा। हम लोग पृथ्वी से आए हैं, गलती से हम इस ग्रह में प्रवेश कर गए। यहाँ के जीव जंतु बहुत ही अजीब हैं। पहले ऐसा नहीं था, इस ग्रह के प्राणी पहले मिलजुल कर एक साथ रहते थे, पर एक दिन आप ही की तरह किसी और ग्रह से एक जादूगरनी आई। सेना आक्रमण, विनाश कर दो इन सबका। सारे मनुष्य अब जहरीली नदी के उस पार ही रहते हैं और इस पार जादूगरनी का साम्राज्य है। मेरे पिता राजा के सेनापति हैं। उस राज के राजकुमार से मेरी शादी होने वाली थी, मगर कुछ दिनों पहले जादूगरनी ने मुझे नदी के उस पार से अगवा कर लिया। मेरा यहाँ से भागना आवश्यक है, वरना जादूगरनी मेरी शादी मेंढकों के सेनापति से कर देगी और फिर मैं दोबारा कभी अपने राजकुमार से नहीं मिल पाऊंगी। इस जादुई आतंक का जल्द ही नाश करना होगा। गुराला का विनाश इतना आसान नहीं, वो बहुत मायावी है, लेकिन उसकी माया को समझने में राजकुमार आपकी मदद कर सकते हैं।
जादू राजकुमार को यहाँ ले आते हैं। पर कैसे? नदी का पानी जहरीला है, जो भी उसे छुएगा नष्ट हो जाएगा। मुझ पर ये पैंतरे काम नहीं करेंगे यज्ञ। लेकिन तुम राजकुमार को पहचानोगे कैसे? ये लो। रुक जाओ, अगर मेरे पानी को छुओगे तो नष्ट हो जाओगे। बगड़ 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 बगड़। हमारे महाराज विक्रम। वक्त आ गया है इस अन्याय को खत्म करने का, और हमें आपकी मदद चाहिए राजकुमार। हम मिलकर ये जंग जीतेंगे महाराज। चलो मुंजा। जादूगरनी तक पहुंचने के लिए हमें उस किले को पार करना होगा। उसके लिए हमें उनसे लड़ना होगा। पर वो बहुत ताकतवर है महाराज। हो सकता है कि वो बहुत ताकतवर हो, लेकिन महाराज के सामने टिकना आसान नहीं। मुंजा चलो। जादूगरनी गुराला, सावधान, आज तेरे अन्याय का अंत होगा। हम अपने हाथों से तेरा विनाश करेंगे। हा? ये क्या, एक मनुष्य की आवाज? इस ग्रह पर मनुष्य कैसे आया? सेनापति जाओ, उन्हें जिंदा या मुर्दा मेरे सामने लेकर आओ। जाओ। काम त्राहिमाम
महाराज, यदि आप ना होते तो हमारे ग्रह को जीवन वापस नहीं मिल पाता। तो देखा आप लोगों ने कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, किसी भी ग्रह में क्यों ना हो, अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। अब अगली कहानी में मुलाकात। आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। अरे भाई, बात ही कुछ ऐसी है। जी हाँ, मेरे महाराज विक्रम जैसा दानवीर और दयालु इस सारी दुनिया में कोई नहीं है। अरे यही बात तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, और जब आप देखोगे तभी तो जानोगे, और जानोगे तो खुद ही समझ जाओगे ना। बाबा, ये लीजिए अपनी बेटी की शादी के लिए। बड़े शान से उसकी शादी कराना। यदि और धन की आवश्यकता हो तो बिना संकोच हमें कह देना। हमारे होते हमारी प्रजा को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। महाराज विक्रम की जय। महाराज, आप जैसा दयावान और दानवीर राजा इस दुनिया में और कोई नहीं है। मैं इसे नहीं मानता। कौन हो तुम? मैं बाली नगर का एक ब्राह्मण हूँ, और हमारे राजा यशोधन से बड़ा दयालु और दानवीर इस पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं है। लगता है आप हमारे महाराज विक्रम के बारे में कुछ जानते ही नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि महाराज यशोधन की कृपा और दानवीरता से हमारे राज्य में कोई भी दुखी नहीं है। होंगे राजा यशोधन दानवीर, लेकिन हमारे महाराज विक्रम से बढ़कर कोई नहीं है। मुंजा, हो सकता है ये ब्राह्मण ठीक कह रहे हो। अब तो पता लगाना ही पड़ेगा कि मेरे महाराज विक्रम से ज्यादा बड़ा दानवीर कौन है। कहीं यही बाली नगर के राजा यशोधन तो नहीं? इस समय कहाँ जा रहे हैं? ओम धन लक्ष्मी नमः। ओम धन लक्ष्मी नमः। ओम धन लक्ष्मी नमः। ओम धन लक्ष्मी नमः। राजा यशोधन, आंखें खोलो। ये लो राजन, इनसे तुम अपनी प्रजा के दुख दूर कर देना। ये लीजिए महामंत्री जी, अब आप ये सिक्के प्रजा में बांट दीजिए। जो आज्ञा महाराज। ओ, ये राजा तो सच में बहुत ही दानवीर और दयालु है। राजा यशोधन के बारे में जो भी कुछ उस ब्राह्मण ने कहा वो सच निकला। हाँ महाराज, मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ। मुझे खुशी हो रही है कि ऐसा महान और दानवीर राजा हमारा पड़ोसी है। मुंजा, हम राजा यशोधन से मिलकर उन्हें बधाई देना चाहते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा महाराज, हमें अवश्य मिलना चाहिए। महाराज, यही है वो मंदिर। लेकिन मुंजा, वो मूर्ति कहाँ है? परसों रात को तो मैंने यहीं पे देखी थी। कौन हो तुम लोग? महाराज, यही है राजा यशोधन। हे भगवान, देवी की मूर्ति कहाँ गई? वही तो हम भी जानना चाहते हैं। देवी की मूर्ति चुरा कर भोले बनते हो, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। महाराज, राजा यशोधन, आप मेरी बात तो सुनिए। ये समय बात करने का नहीं,
तुम्हें दंड देने का है। तुमने मेरी रक्षा की? कौन हो तुम? मैं राजा विक्रम हूँ और ये है मुंजा। मुझसा नहीं कोई दूजा। क्या महाराज विक्रम? ओह महाराज विक्रम, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, ये तो सब देवी की चोरी हुई मूर्ति के कारण हुआ है। लेकिन देवी की मूर्ति चुराई किसने? ये तो अभी पता चल जाएगा। रे अंगूठी, जल्दी से इस रहस्य से पर्दा उठाना। कहाँ गई देवी की मूर्ति ये बताना। हमें किसी भी कीमत पर देवी की मूर्ति को छुड़ाना ही होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। फिर एक दुष्ट जादूगर से सामना, लगता है इसे भी सबक सिखाना पड़ेगा। मुंजा, हमें अभी उस जादूगर के पास चलना होगा। जो आज्ञा महाराज। चिंचिनाती बुबलाबू, मंतर छू, आखिरकार मेरा सपना पूरा होने वाला है। अब मैं देवी से इतना सारा सोना मांगूंगा जिससे मैं एक सोने का महल बनवाऊंगा, रावण की लंका से भी बड़ा। रावण की लंका की तरह तेरी ये लंका भी जल जाएगी। मंतर छू, तूने देवी की मूर्ति चुरा कर बहुत बड़ा पाप किया है और तुझे इसकी सजा मिलेगी जादूगर। बहुत बोल चुके तुम लोग, आज तुम लोग नहीं बचोगे। मंतर छू, सिंचनाती बुबलाबू। आओ मारो मुझे, नहीं पाओगे तुम। छू मंतर छू। मुंजा, ये कैसी माया है? मंतर छू, शिंचनाती बुबलाबू। कहाँ देख रहा है तू? मंतर छू, शिंचनाती बुबलाबू। मुझे महाराज की रक्षा करनी होगी। महाराज, ये रहा असली जादूगर। Ha ha ha!
ये है। मुंजा, इसे अंतरिक्ष में फेंक दो, जहां से यह फिर कभी वापस ना लौट पाए। महाराज विक्रम, आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मुझे क्षमा करें महाराज, दूसरों की रक्षा के लिए जो आपने प्राण संकट में डाले वो सच में सबसे अधिक दयालुता और दानवीरता है, और आपसे बड़ा दयालु और दानवीर राजा कौन हो सकता है। देखा, मेरे महाराज विक्रम जैसा दयालु और दान। दोस्तों, हमारे महाराज विक्रमादित्य मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते, लेकिन अगर मदद करने वाला खुद मुश्किल में फंस जाए तो क्या हो, और अगर फंसेंगे तो क्या निकल पाएंगे, वो तो जब आप देखोगे तो जानोगे, और जानोगे तो समझोगे। ये अचानक काले बादल कहाँ से घिरा है? हमें वापस महल लौट जाना चाहिए महाराज। बचाओ, अब बचाओ, बचाओ। ये थैला हमारे हवाले कर दो। मेरे जीते जी, ये तुम लोगों को नहीं मिल सकता। तुम्हें मारने के बाद हम इसे ले लेंगे। उस थैले को, वरना अनर्थ हो जाएगा। ये लीजिए आपका थैला। इतना सब कुछ एक पुराने से चिराग के लिए? ये कोई साधारण चिराग नहीं है, ये चिराग पुरखों के समय से हमारे पास है। इस चिराग में दुनिया का सबसे ताकतवर जिन रहता है। इस जिन के जादू में इतनी ताकत है कि ये कोई भी काम कर सकता है। हाँ, कोई भी, लेकिन एक पल के लिए भी उस जिन को खाली बिठाना पड़ा ना, तो वो अपने मालिक को ही जान से मार देगा। सालों से हमने इस जिन को संभाल के रखा है, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं राजा विक्रमादित्य के दरबार में जा रहा हूँ उन्हें ये चिराग देने के लिए। यही तो है राजा विक्रमादित्य, जिन्होंने अभी अभी तुम्हारी जान बचाई। सच? लीजिए महाराज, लीजिए, अब इस जिम्मेदारी को आप ही उठाइए, ताकि मैं हिमालय जाकर अपना वानप्रस्थ जीवन शुरू कर सकूं। महाराज, अब तुम जाओ और इन्हें छोड़ाओ। जी महाराज। ये कैसे मुसीबत आन पड़ी, ये तो तूफान है।
चिन्ह कोई भी काम कर सकता है, पर अपने मालिक को मार देगा। अगर मेरी जान को खतरे में डालने से राज्य बच सकता है तो मुझे संकोच नहीं करना चाहिए। कितने सालों से मैं इस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने आजाद किया तुम्हें, इसलिए तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा। क्यों नहीं, कहिए क्या हुक्म है मेरे आका। उस आते हुए तूफान को रोक दो। जो हुक्म मेरे आका, बस इस बात को ध्यान में रखना कि अगर मैं खाली बैठा तो मुझे मजबूरन आपको मारना पड़ेगा। तूफान तो ठंडा हो गया महाराज। शुक्र है भगवान का, आज तुमने बहुत जिंदगियां बचाई हैं। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी बचाना चाहते हैं तो जल्दी से मुझे कोई नया आदेश दे दो। महाराज, ये क्या किया आपने? इस जिनी को बाहर निकाल दिया, अब क्या होगा? जाओ और सारे राज्य को नए रंग से चमका दो, खेतों पे बारिश करवा दो, फसल ठीक कर दो, नए बांध बना दो, सड़क, धर्मशाला, गोदाम बनवा दो, टूटे हुए मकान ठीक कर दो। जाओ। जो हुक्म मेरे आका। कर दिया तुमने जिन, कमाल कर दिया, पूरे राज्य की दशा ही बदल दी। मुझे बस ये बताओ कि आगे क्या करना है, वरना जाओ मुंजा को पकड़कर मेरे पास ले आओ। बस। सारा राज्य तबाह कर देगा।
देखा महाराज, मैं भी कोई कम ताकतवर नहीं हूँ। दिया ना चकमा उस जिनी को। मुंजा को मेरे हवाले कर दो। और क्या हुक्म है मेरे आका? ये तो महाराज ने मुझे बहुत आसान काम दे दिया है। ये तो मैं बहुत जल्द 6, 7, 8, 9, 10। मुंजा, आज तुम्हारी चतुराई ने ना केवल हमारी जान बचाई है बल्कि पूरे राज्य को भी बर्बाद होने से बचा लिया है। एक लाख बारह हजार अठानवे। देखा कैसे कभी कभी मुसीबत बिन बुलाया जाती है। तो जानोगे और जानोगे तो समझोगे। देखिए महाराज। लेकिन बात तो समझने की है मुंजा, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं एक महीने में कैसे ये फैसला सुना पाऊंगा कि कर्म बड़ा है या किस्मत। इस पहेली को सुलझा पाना थोड़ा कठिन है। उपाय एक ही है, हमें खुद चलकर पता करना होगा। तैयार हो जाओ मुंजा, हम इसी वक्त भेष बदल कर भ्रमण के लिए निकलेंगे और पता करके ही लौटेंगे कि किस्मत बड़ी है या कर्म। भेष बदल कर और जादू का प्रयोग नहीं करेंगे। हट गई घनघोर घटा। लेकिन तुम दोनों? हम तो यात्री हैं यजमान, भटक रहे हैं। धन्यवाद। मेरा नाम है झलकार और मेरी आँख से नहीं बच सकता कोई भी कलाकार। तुम दोनों भी कलाकार हो और अब भटकने की जरूरत नहीं। मैं समुद्री व्यापारी हूँ, तुम दोनों चलो मेरे साथ। जी। पहले कभी गए हो समंदर में? नहीं। पर तुम दोनों वीर हो, कोई बात नहीं, कल बंदरगाह पर मिलो। पोटली इतनी बड़ी, खोली तो मिली एक दमड़ी। क्या किस्मत है, हम सही वक्त पर आ गए यहाँ और इस तोंदुमल को बचा लिया और नौकरी भी मिल गई। लेकिन अगर हम उस घोड़े से इसे नहीं बचाते तो ये सब नहीं होता। यहाँ बहुत लोग खड़े थे लेकिन कर्म सिर्फ हमने किया। तूफान आने वाला है। क्या तूफान? अरे मर गया रे बापू। इसमें डरने की, चलो देखते हैं। हमें जल्दी यहाँ से निकल जाना होगा, यहाँ रुके तो खतरा बढ़ जाएगा बापू। वीरों का रास्ता तो खतरों से भरा होता है जजमान। पता नहीं क्यों होता है, तुम जाओ जल्दी लंगर उठाओ।
ये रस्सी तो लगता है फंस गई है। मुझे बचा लो, नीचे जाकर लंगर को निकालना होगा और नहीं निकले तो रस्सी काट देना। ऊपर से रस्सी काटते पाप लगेगा, इसकी बातों पे मत ध्यान दे। घंटी मंदिर की जिंदा रहेगा तभी तो बजेगी। लेकिन एक वीर पुरुष कायरता का काम कैसे करेगा? तू वीर नहीं है, काट दे रस्सी तभी बचेगा। घनघोर घटा, दुविधा हटा। बच गए, अब तो मानोगे ना, महाराज की किस्मत अच्छी थी। लेकिन अगर हम जान को संकट में डालकर नीचे नहीं गए होते तो इसीलिए ये कर्म की वजह से भी हो सकता है। लेकिन अब क्या करें? झलकार ने पश्चिम की तरफ कोई टापू देखा था, शायद उधर ही चलो। चलो बापू। तैयार कर मुंजा। आओ महाराज विक्रमादित्य और जादुई मुंजा। आप कौन है ऋषि और हमें कैसे पहचानते हैं? जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो सब साफ साफ नजर आने लगता है। लेकिन हमें आश्चर्य है कि आप क्यों साफ साफ नहीं देख पाए कि किस्मत बड़ी है या कर्म। क्या आपको ये भी पता है कि हम भ्रमण पर क्यों निकले हैं? जाओ विक्रमादित्य, वो जहाज यहाँ तुम्हारा ही प्रतीक्षा कर रहा था। अपने राज्य जाओ, वहाँ लोगों को तुम्हारी जरूरत है। ये जादुई माला है, इसे पहनोगे तो तुम अदृश्य हो जाओगे और ये लाठी तुम्हें सही दिशा बताएगी। तुम्हें तुम्हारा उत्तर मिल जाएगा। से जो राजा विक्रम को मारने का षड्यंत्र हम तैयार कर रहे हैं, अब उसे पूरा करने का समय आ गया है। हमारे लोग हमें ही मारने की बात कर रहे हैं। इन घर के भेदियों को तो सबक सिखाना होगा। रुकिए महाराज, ये तो केवल सैनिक हैं, उनके पीछे जरूर कोई और होगा। हमें इंतजार करना चाहिए। कोषाधीश, इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा था और हमें कोई खबर ही नहीं थी। सुनो, हमें आज रात ही राजा विक्रम को, समझ गए? अब जाओ। इन्हें यहीं छोड़ दो मुंजा। महाराज विक्रम का महल किधर है? क्यों जाना चाहते हो वहाँ? हम बड़ी दूर से आए हैं, सुना है महाराज बड़े दयालु हैं और सबकी मदद करते हैं।
लेकिन मदद चाहिए क्यों? दरअसल कुछ डाकू हमारे गांव को लूटते रहते हैं। ये जादुई माला और छड़ी है, ये ले लो। माला पहनने वाला अदृश्य हो जाएगा और छड़ी 100 तलवारों से भी ज्यादा ताकतवर है। जाओ उन डाकुओं को सबक सिखाओ। लेकिन आप? ये है महाराज विक्रम और मैं उनका सेवक मुंजा, मुझसा नहीं कोई दूजा। आप लोगों की किस्मत अच्छी थी जो महाराज यहीं मिल गए। मुझे जवाब मिल गया है। दरअसल में किस्मत और कर्म दोनों बहनें हैं। दोनों के बीच एक गहरा संबंध है। कर्म से ही किस्मत बनती है और किस्मत अच्छी हो तभी अच्छा कर्म करने का मौका मिलता है। महाराज की जय हो। लेकिन दोस्तों अगर अच्छे कर्म नहीं करोगे तो किस्मत कभी साथ नहीं देगी, क्योंकि कर्म और किस्मत दोनों साथ साथ ही चलते हैं। और अब वक्त आ गया है कि मैं भी आपसे विदा लूं और अब अगली कहानी में मुलाकात होगी दोस्तों। पता है दोस्तों हमारे महाराज विक्रमादित्य को परमवीर योद्धा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हर कठिनाई का डट कर सामना करते हैं। तो चलिए आप खुद चलकर देख लीजिए, क्योंकि जब आप देखोगे तो जानोगे और जानोगे तो ही समझोगे ना। ये तूफान तो बढ़ता जा रहा है। जहाज अपने आप दक्षिण की तरफ जा रहा है। महाराज तूफान का केंद्र भी दक्षिण की तरफ ही होगा। नाविक, जहाज को उत्तर की तरफ ले जाने की कोशिश की जाए। जी महाराज। महाराज महाराज छोड़ दो मुझे। तुम्हें हमारी भाषा आती है? नहीं, तुम्हें हमारी भाषा आती है? जो भी है ये बताओ कि महाराज कहाँ है? शैतान कहीं के? एक तो हमारे डाकू में घुसा है और ऊपर से हमें ही शैतान कह रहे हो? खेल बंद करो और बताओ महाराज कहाँ है, वरना यहीं का जुमर बना दूंगा। महाराज? कौन महाराज? कैसे महाराज? कहाँ के महाराज? मुझे पहले नीचे उतारो, मैं तुम्हें तुम्हारे साथियों के पास ले जाऊंगा। नीचे उतारो। महाराज, मुंजा, इन्होंने हमें पानी की जगह कुछ नशीला पदार्थ पिला दिया था। साथियों, वो अजगर गुफा की तरफ आ रहा है। मजा आए
मजा तो मैं चखाऊंगा तुझे। गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाया। पहले हमारे साथियों को छोड़ दो। इन्हें ये पिला दो, ये सब होश में आ जाएंगे। हमें क्षमा कीजिए, हम अपने दोस्तों को ही अपना दुश्मन समझ बैठे थे। कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। अंत में तो अब सबका विनाश होगा, सबका विनाश। हाँ? क्या मतलब है आपका? तुमने शेर के मुंह में हाथ रखा है अजनबी, वो आजकल तो सिर्फ एक भूत था, असली मुसीबत तो एक महाकाय दानव है। वो अजगर उस दानव के लिए भोजन ले जाया करता था। तुमने उस अजगर को हरा कर उस दानव को चुनौती दी है, अब वो आकर हम सबको तबाह कर देगा। आप चिंता मत कीजिए, अगर हम समस्या का कारण हैं तो समाधान भी हम ही बनेंगे। उस दानव से हम तुम्हें छुटकारा दिलाएंगे, लेकिन हम ये सब आपकी मदद के बिना नहीं कर पाएंगे। हमें एकजुट होना होगा। हम तैयार हैं, और लड़ने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। तो सुनो, मेरा भोजन कहाँ है? मुझे बहुत भूख लगी है। वो अजगर कहाँ चला गया? मेरा भोजन लाने वाला था। भोजन, मेरा भोजन। सेना, बचाव के लिए तैयार हो। कौन है तू? मैं तुम्हारा भोजन हूँ, मगर पहले मुझे पकड़ना होगा। समय आ गया है आखिरी वार का, मेरे आदेश पर ये आग बरसा देना। बहुत परेशान किया तूने, अब तुझे अपने किए की सजा
भुगतनी होगी। महाराज विक्रम, धन्यवाद तो हमें आपका करना होगा। हम सब आपके और आपके साथियों के आभारी हैं। यदि आप यहाँ ना आते तो हम कभी भी इस मुसीबत से छुटकारा नहीं पाते। महाराज, आपकी प्रजा, आपके सैनिक सचमुच जाबाज हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनमें एकता थी, जो सबसे बड़ी ताकत है। तभी तो हम उस दानव को इतनी आसानी से हरा पाए। बिल्कुल सही कहा महाराज। हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए। महाराज विक्रम की जय। दोस्तों, आज की इस घटना से मुझे पता चला कि चाहे मुश्किल कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अगर हम एक हो जाए। दोस्तों, हम कभी कभी अनजाने में ही किसी का बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं और फिर ये कहकर मुंह फेर लेते हैं कि हमने कौन सा जानबूझकर किया था। लेकिन असली समझदारी ये परखने में नहीं है कि किसकी गलती थी। असली समझदारी है उस नुकसान को ठीक करने में। नहीं समझे तो चलो देखते हैं, क्योंकि देखोगे तो जानोगे और जानोगे तो समझोगे ना। उसकी आवाज सुन लो तो अपनी आवाज कुल हो जाए, डर भी डर के भाग जाए। हम सब भी भाग जाते हैं इससे पहले कि हो जाए बहुत देर। लेकिन वो है कौन? बब्बर शेर। महाराज, अगर जल्दी ही उस आदमखोर शेर को भगाया नहीं गया तो हम सबको गांव छोड़कर भागना होगा। किसी को गांव छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, हम उस खूंखार बब्बर शेर को पकड़ लेंगे। बस ये बता दो कि वो आखिरी बार कहाँ दिखा था? जंगल शुरू होने से पहले महाराज, जो आखिरी खेत है उसी के पास हरिया ने उसकी परछाई देखी थी। दिन में तो शायद वो वही रहता है, लेकिन अंधेरा होने पर वो गांव में भी घुस आता है। महाराज महाराज, हम सबकी जान तो अब आपके ही हाथ में है। बिल्कुल भी चिंता ना करें, ऐसे बब्बर शेरों को पकड़ना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। कल सुबह हम उस शेर को भगा भगा कर मारेंगे। ये बताओ कि वो शेर आखिरी बार किस तरफ दिखाई दिया था? उस तरफ जो आखिरी खेत है वही। मुझे लगता है वो शेर जंगल में लौट गया है। उस तरफ से आवाजें आ रही हैं महाराज। मुझे बचा लीजिए महाराज, मुझे बचा लीजिए। ये इंसानों की भाषा जानता है। मुझे बचा लीजिए महाराज, मुझे बचा लीजिए। एक बार उसे बचा लिया तो वो ये रहस्य खुद ही खोल देगा। बार उस शेर को हम काबू में कर ले, फिर तुम्हें नीचे उतारेंगे और तुम्हारी कहानी भी सुनेंगे। इसे ले जाकर घने जंगल में छोड़ा जहाँ से ये भटक कर बाहर ना आ पाए। और वो हिरन कहाँ गया? अभी लाया महाराज। मैं हिरन नहीं हूँ महाराज, मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ।
राजकुमार विजय, लेकिन एक गलती का दंड भुगत रहा हूँ। हाँ? कैसी गलती? मैं एक बार भ्रमण के लिए निकला तो गलती से एक ऐसी गुफा में चला गया जहाँ एक ऋषि तप कर रहे थे। मुझे इस बात का पता नहीं था। मैंने जब वहाँ आग जलाई तो उस रोशनी से वो ऋषि तंग आ गए और उनकी तपस्या टूट गई। गुस्से में उन्होंने मुझे ये श्राप दिया कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी जानवर बन के बिताऊं। लेकिन इसका कोई उपाय तो होगा, और फिर तुम्हारे घर वाले भी तो तुम्हारी राह देख रहे होंगे। उपाय तो केवल उन्हीं ऋषि के पास है, वो ही इस श्राप को वापस ले सकते हैं, वो भी तब अगर कोई 32 गुनों वाला राजा मेरा साथ दे। लेकिन अब मैं भूल गया हूँ कि वो गुफा कहाँ है। मुझे सारी जिंदगी अब ऐसे ही रहना होगा। इस तरह हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त करूँगा। तो कहानी असल में अब शुरू होगी, और तुम्हारा आधा काम तो हो भी गया। कैसे? 32 गुणों वाला राजा तो स्वयं तुम्हारे सामने खड़ा है, और रही बात उस गुफा को ढूंढने की, तो वो भी हो जाएगा। परेशान है राजकुमार, बड़ी मुश्किल में है इसकी जान। जिस रास्ते पर मिलेगा उपाय उससे है ये अनजान। अब आप ही करो मार्गदर्शन ताकि महाराज बचा पाए एक और जीवन। इस जंगल के उस पार जहाँ है रोशनी लाचार, वहीं है ऊंची ऊंची चट्टानें जिसमें बनी है सैकड़ों गुफाएं। उसी चोटी पर है उसका घर, वो इस हरण के सब दुख ले हर। यही गुफा है वो महाराज, मुझे बहुत डर लग रहा है महाराज। डरो मत विजय, भय पर काबू करोगे तभी जीत को हासिल कर पाओगे। और फिर सिर्फ एक साधु से ही तो बात करनी है, किसी राक्षस से तो नहीं। महाराज आग्रह करेंगे तो वो जरूर तुम्हें क्षमा कर देंगे। चलो अब अंदर चलो। बच गए महाराज, वरना ये अभी हमारा कचुम्बर बना देता। मैं बात करके आता हूँ इससे। क्या बात है विशाल मानव, हमारा रास्ता क्यों रोके रखा है? मैं किसी को अंदर जाने नहीं दूंगा। पर हमें मुनिवर से मिलना है, बहुत आवश्यक है। नहीं। पर सुनो तो। नहीं। क्या हुआ मुंजा? बहुत ही जिद्दी और अड़ियल दानव है, कोई बात ही नहीं सुनता, बस नहीं नहीं की रट लगा रखी है। अब बल से इसे काबू कर पाना मुश्किल होगा, तो अब बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। मुंजा तुम उसे उलझाए रखो, मैं और विजय तभी अंदर जाने की कोशिश करेंगे। ये चाल तो गलत पड़ गई, कुछ और सोचना पड़ेगा। मुंजा यहाँ आओ। इस तरह से तो अंदर जा पाना मुश्किल है। एक काम करो मुंजा, तुम किसी तरह से इसे गुफा के अंदर ले जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। जाओ। महाराज जल्दी कुछ कीजिए। मूर्ख, तुझे इसलिए रखा था कि कोई अंदर ना आ सके, इसलिए नहीं कि तू खुद ही मेरी तपस्या भंग कर दे।
तो तुम दोनों की वजह से ये सब हुआ। मैं तुम्हें भी भस्म कर दूंगा। गुरुदेव, गलती मेरी है, जो भी सजा देनी है मुझे दीजिए। कौन हो तुम? राजा विक्रमादित्य। सुना है तुम्हारे बारे में राजन, लेकिन तुमने मेरी तपस्या भंग की है, इसलिए दंड तो मिलेगा। गुरुदेव, आप मुझे जो चाहे दंड दीजिए, मुझे मंजूर है, लेकिन आप मेरे मित्र मुंजा को जाने दीजिए और विजय, जिसे कि आपने ही श्राप दिया था, उसे भी मुक्त कर दीजिए। गुरुदेव, मुनिवर, इस श्राप को वापस ले लीजिए, गलती मेरी थी, आप मुझे श्राप दीजिए। मुनिवर, मैं हूँ राजकुमार विजय, जिसे आपने श्राप देकर हिरण बना दिया था। ये दोनों निर्दोष हैं, क्योंकि क्योंकि ये तो केवल मेरी मदद करने के लिए यहाँ आए थे। आप कृपया अपना श्राप वापस ले लीजिए। महाराजा विक्रमादित्य, मैं आपसे प्रभावित हुआ हूँ। जिस तरह आपने अपने मित्रों की सहायता के लिए खुद को दांव पर लगा दिया, वो कोई सच्चा शूरवीर ही कर सकता है। गुरुदेव, मैं तो बस अपना कर्तव्य और विजय को दिया हुआ अपना वचन पूरा कर रहा था। तब तो मैं भी मानवता की भलाई के लिए कर रहा था राजन, लेकिन तब करते करते शायद भूल गया था कि तब मानवता की भलाई के लिए है, उन्हें दंडित करने के लिए नहीं। मैं पृथ्वी पर शांति के लिए तप कर रहा था राजन, लेकिन अगर इस तप से पृथ्वी का भला होने की बजाय लोगों को परेशानी होने लगे तो ये तप विफल हो जाएगा। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। ये आवाज, कहाँ जाओगी मुझसे बचकर? दूर रहो हमसे। देखो, हमारे पास नहीं आना तो हमारे तप के बल से तुम भस्म हो जाओगे। कौन है तू? तमसासुर, यदि जीवित रहना चाहता है तो यहाँ से चला जा। मूर्ख मनुष्य, तू मुझे धमकी दे रहा है, तो ले। क्या माया है? माया नहीं, सच्चाई। मैं हूँ इंद्रलोक की अप्सरा रंभा और ये उर्वशी। तो आप दोनों तपस्विनी के रूप में? हम दोनों महाराज इंद्र से किसी बात पर रूठकर यहाँ आ गई थी। आज हम वापस इंद्रलोक जाने ही वाली थी कि इस राक्षस ने हम पर हमला कर दिया। ये तो अच्छा ही हुआ ना। क्या? ना वो राक्षस आप पर हमला करता और ना आपकी हमारे महाराज से मुलाकात होती। ये हैं इस राज्य के महाराजाधिराज विक्रमादित्य। क्या? और मैं हूँ मुंजा, मुझसे नहीं है कोई दूजा। ओह, तो तुम हो मुंजा, तुम्हारे विषय में भी हम जानते हैं। महाराज, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे साथ इंद्रलोक चलें। हाँ राजन, हमारे महाराज इंद्र भी आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न होंगे। ठीक है,
जैसी आपकी मर्जी। इंद्रलोक में आपका स्वागत है। उर्वशी, ये यहाँ आज इतना सन्नाटा क्यों है? अनर्थ हो गया देवियों, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? एक मायावी राक्षस नक्तासुर ने हमारे इंद्रलोक पर अपनी सेना के साथ आक्रमण कर दिया। महाराज इंद्र के साथ 3 दिनों तक युद्ध चला, परंतु फिर महाराज को युद्ध छोड़कर भागना पड़ा। वो राक्षस नक्तासुर भी अपनी सेना लेकर महाराज के पीछे गया है। हे प्रभु, अब क्या होगा? महाराज की रक्षा करना प्रभु। क्या आपको कोई अंदाजा है कि महाराज इंद्र कहाँ गए होंगे? दक्षिण दिशा में पुरुकेशा नाम का एक बहुत बड़ा पर्वत है, उसमें बहुत सी गुफाएं हैं। हो सकता है महाराज वहीं गए हों। चलो मुंजा। क्या आप जाएंगे? तो आप इस वायु रथ पर जाएं, यह आपको सीधा वहीं ले जाएगा। जी धन्यवाद, आओ मुंजा। हे प्रभु, महाराज विक्रम की सहायता करना। ये तो इतना बड़ा पर्वत है, यहाँ पर महाराज इंद्र किस गुफा में होंगे, ये कैसे पता चलेगा? वो देखिए महाराज, राक्षसों की टोली। मतलब महाराज इंद्र यहाँ तक तो आए हैं। मैं जाता हूँ महाराज इंद्र की खोज में। ठीक है, तब तक मैं इस नक्तासुर की खबर लेता हूँ। डरिए नहीं महाराज, मैं आपकी सहायता के लिए आया हूँ। लेकिन तुम्हें यहाँ का पता किसने बताया? देवी उर्वशी और देवी रंभा ने। ओह, तब तो ठीक है। आइए महाराज। परंतु बाहर वो नक्तासुर। चिंता मत कीजिए, मेरे महाराज विक्रमादित्य के होते हुए वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्या महाराज विक्रमादित्य आए हैं? हाँ, वो आए हैं। तब तो अब चिंता की कोई बात नहीं, चलो चलकर मैं भी उस नक्तासुर को सबक सिखाता हूँ। We'll be right back.
चलिए महाराज इंद्र, चले। जी मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा। ये क्या कह रहे हैं, मैंने तो केवल अपना फर्ज निभाया है। ये छोटी सी भेंट स्वीकार करें। धन्यवाद। मेरी और रंभा की तरफ से भी धन्यवाद। मैं इसे सदा अपने पास रखूंगा, परंतु ये एक अद्भुत अंगूठी है। समय आने पर इसकी विशेषता तुम्हें स्वयं ही मालूम हो जाएगी। तो अब हमें आज्ञा है देवराज इंद्र? अवश्य। अब समझे कितने प्रतापी हैं महाराज विक्रम। तो इसी तरह देखते रहो। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, कितना अच्छा होता ना दोस्तों। पर कुछ लोग जब हंस जाते हैं तो फंस जाते हैं। कैसे, ये तो जब आप देखोगे तो जानोगे, और जानोगे तो समझोगे ना। सारी थकान दूर हो गई। जी महाराज, आप यहाँ आराम कीजिए, मैं भोजन का प्रबंध करता हूँ। महाराज ये पेड़ तो बोलता है। पेड़ नहीं है मुंजा, कोई और है। चलो अब मैं एक जादू दिखाता हूँ। आप दोनों ने तो कमाल कर दिया, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि तुम इस जंगल में क्यों भटक रहे हो। मैं क्या कर रहे हो, नाम क्या है तुम्हारा? जी ध्रुव, और मैं राजकुमारी को तलाश कर रहा हूँ। चांद सी मुस्कुराहट थी उसकी, और जब भी राजकुमारी हंसती तो अपने हाथों से अपना मुंह छिपा लेती, और जब वो हाथ हटाती तो उसमें एक खूबसूरत मोती होता। फिर एक दिन वो अचानक बीमार हो गई। जब राजा रानी से कुछ न बना तो उन्होंने एक जादूगर वैद्य को बुलाया। काला घनघोर अब मचाएगा शोर। गिली 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 या। काला घनघोर अब मचाएगा शोर। चमके के मोती होगा उजाला हर ओर। आई गिली 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 गा।
मुझे दुनिया का सबसे धनी आदमी बनने से कोई नहीं रोक सकता। गिली 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 गिली। काला खंडोर अब मचाएगा शोर। तुम्हें ये सब कैसे पता? मेरे पिताजी उस राज्य के सेनापति थे। राजकुमारी को ढूंढने का जिम्मा उन्हें ही मिला, पर बहुत ढूंढने पर भी वो नहीं मिली। लेकिन अब मैं राजकुमारी को ढूंढूंगा। लेकिन ऐसे जादूगर से निपटना कोई बच्चों का खेल नहीं है ध्रुव। पर मैं, तुम घर लौट जाओ। मगर वो, ध्रुव ये मेरा आदेश है। माफ कीजिए महाराज, पर मैं आपके आदेश का पालन नहीं कर सकता। ऐसी भी क्या हट युवक? हट नहीं महाराज, मजबूरी। राजकुमारी के नाम मिलने से मायूस और क्रोधित राजा ने मेरे पिता को महल से निकाल दिया। मेरा मकसद सिर्फ राजकुमारी को महल लौटाना नहीं, बल्कि अपने पिता का खोया हुआ सम्मान भी लौटाना है। हम तुम्हारी हिम्मत और लगन की सराहना करते हैं, लेकिन अब यहाँ से राजकुमारी की चिंता तुम हम पर छोड़ दो। हम उसे अवश्य ही ढूंढ निकालेंगे। तो क्या राजकुमारी को छुड़ाने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? अवश्य तुम हमारे साथ चल सकते हो। पर महाराज, इसे खुद को साबित करने का मौका मिलना ही चाहिए। अगर ये बहादुर निकला तो राजा इसे इनाम में इसके पिता का सम्मान भी लौटा सकते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मुंजा, इसकी सवारी का कुछ इंतजाम करो। जी महाराज। पर महाराज, समस्या ये है कि राजकुमारी को पाने के लिए उस दुष्ट जादूगर को ढूंढना होगा। हमें तो ये ही नहीं पता कि वो मिलेगा कहाँ। हमें नहीं पता, लेकिन उन्हें तो पता है। प्रणाम माँ। किस उलझन में पड़ गए हो वत्स? माँ, हमारी सहायता कीजिए। हमें एक दुष्ट जादूगर वैद्य का पता लगाना है, जिसने एक मासूम राजकुमारी को अपने कब्जे में कर रखा है। दूर जाना होगा, ऊंचे पर्वत की तरफ। दैत्य के मस्तिष्क जैसा है घर, सफल होगा वो। दिखाओगे डर अगर, पार करने होंगे कुछ पड़ाव। दिमाग से लड़ना होगा, ताकत से नहीं। अंत में राजकुमारी मिलेगी वहीं। बाहर नहीं जा पाओगे। काला घनघोर अब मचाएगा चोर। मचाएगा शोर। किसके की धरती? नीचे से धुआं निकलेगा।
धुआं जहरीला है। तुम्हारी सांसें हमेशा के लिए रुक जाएंगी। गिली 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 गिली। महाराज ऐसा नहीं होगा, माँ भद्रकाली ने कहा था दिमाग से लड़ना होगा ताकत से नहीं। हम आपको वापस लेने आए हैं। दोस्तों तो आगे क्या हुआ ये मैं बताता हूँ। बिछड़ी हुई राजकुमारी को अपना परिवार मिल गया, सेनापति को अपना खोया हुआ सम्मान और ध्रुव को राजकुमारी। जी हाँ, खुश होकर राजा ने राजकुमारी की शादी ध्रुव से करवा दी। तो देखा मंजिल।